सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस सर्कुलर के बारे में बताना चाहते हैं जो कल नेशनल मेडिकल कमीशन के पोर्टल पर अपडेट हुआ था। इससे पहले हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस सर्कुलर के अनुसार बहुत सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहे थे। जब से FMGL 2021 और CRMI रेगुलेशंस आया तब से, क्योंकि स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के कुछ अधिकारियों के दिमाग में भी ये थी कि FMGL 2021 लागू हो चुका है और हमें इसी के हिसाब से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने हैं। इसको लेकर ये सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, जिसमें यह भी बताया गया है कि NMC बार बार ये चीज़ दोहरा रही है कि FMGL रेगुलेशंस किन स्टूडेंट पे नहीं लगेगा। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने 18 नवंबर 2021 से पहले अपनी डिग्री या प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट कर ली हो। नंबर टू, वो सभी स्टूडेंट जिनकी 18 नवंबर 2021 से पहले मेडिकल की एजुकेशन स्टार्ट हो गई हो। ध्यान दीजिएगा, मेडिकल की एजुकेशन स्टार्ट हो गई हो। इस पॉइंट का जो एडवाइजरी आई थी इंडियन एम्बेसी फिलीपींस की तरफ से, उसके कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है और वो हमें तब तक राहत की सांस नहीं ले सकते हैं जब तक हमें उसके लिए स्पेसिफिकली अलग से नहीं कोई एडवाइजरी आती है या कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। तीसरे नंबर पे वो सभी स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल एग्जम्पशन दिया गया हो किसी नोटिफिकेशन के जरिए। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि FMG जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है या जिनकी मेडिकल एजुकेशन 18-11 नवंबर 2021 से पहले स्टार्ट हो चुकी है, वो अभी भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2002 एक्ट के दायरे में आएंगे और वही रूल रेगुलेशंस उन पर लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि जो कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशंस जो लागू की गई थी 18 नवंबर 2021 को, गेजेट की डेट से लागू हो चुकी थी, लेकिन 2 सितंबर 2020 को नोटिफिकेशन था जिसमें बताया गया था कि नेपाल, बांग्लादेश, चाइना और फिलीपींस, इन चारों कंट्री की इंटर्नशिप वैलिड है। ध्यान दीजिएगा, फिलीपींस की फोर्थ ईयर में जो MD ग्रेड में क्लर्कशिप कराई जाती है वो इंटर्नशिप नहीं है। ये मैं काफ़ी बार दोहराते हुए आया हूँ और वापस मैं दोहरा रहा हूँ। तो यदि इन चारों कंट्रीज़ के अंदर आपने इंटर्नशिप की है तो आपको यहाँ इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, और नहीं की है तो इंटर्नशिप आपको यहाँ करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो सबसे बड़ा रिलीफ है वो उन सारे स्टूडेंट्स को है जिनकी इंटर्नशिप, हाफ इंटर्नशिप इन चारों कंट्री में किसी भी कंट्री में हुई और फिर यहाँ आने के बाद बॉर्डर ओपन होने के बाद वो जा नहीं पाए और उनकी इंटर्नशिप आधी रह गई। यदि इंडिया में उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती तो उनको वापस जीरो से शुरू करना पड़ता, क्योंकि वो पार्ट में इंटर्नशिप को नहीं मानते थे। हम लोगों ने 2 अप्रैल 2021 को न्यूज़पेपर के जरिए एक रिक्वेस्ट रखी थी, एक अपील की थी कि भी जो स्टूडेंट यहाँ स्टक हैं उन लोगों को यहाँ अलाउ किया जाए इंटर्नशिप करने के लिए, मीन वाइल हमें हेल्पिंग हैंड मिलेंगे। ठीक सेकंड वेव से पहले की बात है, और एक वीक पहले हम लोगों ने किसी के थ्रू जो भी हमारे सोर्सेज थे NMC तक प्रपोजल पहुँचाने की कोशिश की थी। हालांकि उससे ये हुआ कि जो अब्रॉड में फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनको तो राहत नहीं मिल पाई। हालांकि उसमें हमने ये कहा था जो स्टूडेंट FMG पास नहीं हुए हैं उनको भी एक बार कम से कम इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाए, ताकि हमारे पास हॉस्पिटल में 25-30 हज़ार लोग हमें काम करने के लिए मिलेंगे और हमें सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन उस टाइम क्या किया था, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ये परमिशन दे दी गई थी कि उन्होंने दी अपनी इंटर्नशिप हाफ कहीं पे की तो हाफ वो कहीं कर सकते हैं। हालांकि फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए ये नियम जो है वो एक साल के बाद आया, लेकिन चलिए ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, आपका टाइम बचेगा। तो इस पॉइंट में ये है कि यदि आपने आपका FMG क्लियर कर लिया है और आधी इंटर्नशिप आपकी वहाँ हो चुकी है, तो आधी इंटर्नशिप अब आप यहाँ पे इंडिया में अपनी स्टेट मेडिकल काउंसिल में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा के कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जो रूल्स रेगुलेशंस परिस्थितियों को देखते हुए कमीशन ने डिसाइड किया है कि डिटेल गाइडलाइन दी जाएंगी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को जो उनको फॉलो करनी है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। कब तक? जब तक कमीशन की तरफ से कोई नए स्पेशल रेगुलेशंस नहीं आ जाते हैं तब तक, या फिर नेक्स्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, या इन दोनों में से कोई एक काम पहले हो जाता है तब तक उनको ये गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो स्टेट मेडिकल काउंसिल से उनको ये चीज़ इंश्योर कर लेनी है कि जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट उनके पास आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनकी प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, MBBS कंप्लीट हो चुकी हो। नंबर टू, वो इंश्योर कर लेना है कि उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वहाँ पे की थी क्या, उसके प्रूफ देखने हैं। नंबर तीन, उनको वीज़ा की कॉपी, इमिग्रेशन की कॉपी, सारे जो भी पासपोर्ट की जितने भी डिटेल्स हैं वो उनको चाहिए। नंबर चार,
जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा FMG का एग्ज़ाम किया जाता है वो पास होने का प्रूफ उनको चाहिए, यानी उनको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए NBE का। और इसमें दिया है कि जिस भी स्टूडेंट ने ऊपर के क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है वो स्टेट मेडिकल काउंसिल में अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी 12 महीने की इंटर्नशिप के लिए, या फिर बची हुई इंटर्नशिप के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद में दिया गया कि इंटर्नशिप कहाँ परमिशन दी गई है। CRMI में बताया गया था कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनको NMC की तरफ से परमिशन दी गई है, आप सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं। और जो CRMI रेगुलेशंस में को फिक्स कोटा तय किया गया था कि 7.5% किसी यूनिवर्सिटी में जी 200 सीट्स हैं तो वहाँ सिर्फ 15 स्टूडेंट ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ही वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो वो भी आपको फॉलो करना है। लास्ट पॉइंट में ये चीज़ NMC ने क्लियर की है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को ये क्लियर करना है और ये इंश्योर करना है कि जहाँ भी स्टूडेंट्स जिस भी हॉस्पिटल में जिस भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ये लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उन मेडिकल इंस्टीट्यूट से स्टेट मेडिकल काउंसिल को ये रिटर्न में लेना है कि वो लोग इस इंटर्नशिप के लिए इन स्टूडेंट्स को कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि अलग अलग स्टेट्स में जो गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको एक स्टाइपेंड दिया जाता है, हर स्टेट में अलग अलग है, तो वो स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा यदि आपकी रिमेनिंग इंटर्नशिप है तो उसके लिए, या फिर आपकी 12 महीने की पूरी इंटर्नशिप बाकी है तो उसके लिए भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये ओवरऑल इस सर्कुलर का सार था जो हमने बहुत ही कॉमन भाषा में बताने की कोशिश की जो आपको भी समझ में आए। बाकी यदि आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप प्लीज़ हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें कॉमेंट के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।